80 का दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक, नाम नीलम। पूरा नाम नीलम कोठारी, जन्म हुआ 9 नवंबर सन 1968 में। इनका जन्म हुआ था हांगकांग में। जब ये छोटी थीं, तब इन्होंने कीबोर्ड बजाना सीखा था और साथ में जैज बैले भी। अभी नहीं आ रहा, बजने दे बारा, तब मैं करूंगी तुझको इशारा। इनका परिवार दरअसल ज्वेलरी बिजनेस से ताल्लुक रखता है और खासा रईस है। हांगकांग से इनका परिवार गया बैंकॉक और ये छुट्टियां मनाने हिंदुस्तान के मुंबई शहर में आई थीं। तब ये बहुत छोटी ही थीं और इनका कतई मन नहीं था कि ये फिल्मों में जाएं। इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं थी और ये मात्र 14-15 बरस की रही होंगी। 10वीं कक्षा में पढ़ती थीं, मुंबई में अपनी बिल्डिंग के अंदर ये खेल रही थीं और तब फिल्म मेकर रमेश बहल की नज़र इन पे पड़ी। रमेश बहल साहब ने इनके माता पिता से कहा कि क्यों नहीं इस बच्ची को फिल्मों में हीरोइन बनाया जाए। पहले इनके पिता ने इनकार किया और उसके बाद वो मान भी गए। हैसियत इंसान के पेश उसके काम से नहीं जानी जाती, हैसियत जानी जाती है इंसान के अपने कैरेक्टर से, उसके खानदान से। और उसका खानदान देश की रक्षा करने वाली फौजी का खानदान है। उसमें अगर कोई खोट ढूंढता है तो मैं कहूंगी कि इस संसार में कोई खानदान ही नहीं है। इनकी पहली फिल्म रही मशहूर मानव अभिनेत्री टीना मुनीम के भतीजे करण शाह के साथ। फिल्म का नाम था जवानी। साल था सन 1984। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना दिखा पाई, लेकिन उसके बाद गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। लव 86, खुदगर्ज, हत्या, ताकतवर, इल्जाम, इन सब फिल्मों ने कमाल कर दिया। ये नजर आई थी फिल्म घर का चिराग में भी, जिसमें इनके सामने थे चंकी पांडे। आग ही आग, पाप की दुनिया, इन तमाम मल्टी स्टारर्स में नीलम ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। सही कहा आपने भैया, एकदम सही कहा, मुझसे गलती हो गई। मैं भूली गई थी कि मेरा इस घर से कन्यादान हुआ है और इस दुनिया में दान दी हुई चीज की कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई अधिकार नहीं होता भैया। फिल्म इंद्रजीत में ये अमिताभ बच्चन की बेटी बनकर आई थीं और फिल्म अग्निपथ में बच्चन साहब की बहन। ये फिल्म हम साथ साथ में भी नजर आई थीं, सलमान खान की बहन का किरदार निभाती हुई। नीलम ने बहुत ही छोटे वक्त में एक लंबा सफर तय कर लिया था। इनके चेहरे की मासूमियत, इनकी खूबसूरती, इनके डांसिंग स्किल्स, सभी ये बता रहे थे ये एक जबरदस्त हीरोइन है। परवरिश, माहौल जिंदगी पर असर करते हैं, लेकिन इंसान जानवर नहीं जो लकीर का फकीर बनकर उसी रास्ते पर चलता रहे जिस पर उसे चलाया जाए। ये फिल्मों से कुछ वक्त के लिए दूर हुई और इनका विवाह हो गया ब्रिटिश बिजनेसमैन के बेटे ऋषि सेठिया के साथ। ये शादी कुछ ज्यादा वक्त चली नहीं और फिर इनके जीवन में आए समीर सोनी। इनकी मुलाकात करवाई थी एकता कपूर ने। शुरुआती दौर में हल्का फुल्का रोमांस रहा और फिर बिना शादी के कार्ड छपवाए इन दोनों की शादी हो गई। शादी हुई सन 2011 में और उसके बाद इन्होंने एक बेटी को गोद लिया, नाम रखा अहाना। नीलम कोठारी वापस लौट गईं अपने ज्वेलरी डिजाइन की तरफ। ये फिल्म कुछ कुछ होता हमें बतौर वीजे जरूर नजर आई थीं, लेकिन इनका ज्यादातर वक्त अब ज्वेलरी डिजाइनिंग के बिजनेस में ही बीतता है। यकीनन नीलम कोठारी जैसी अभिनेत्री ना थी और ना ही होगी। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।